प्रदेश के आजमगढ़ में बुधवार को पिता और पुत्र की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। महाराजगंज थाना क्षेत्र के इस दोहरे हत्याकांड के बाद पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने कड़े निर्देश जारी किए थे और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाई गई थीं। पुलिस की चार टीमों ने क्षेत्र में कई जगह छापेमारी कर अब तक दो नामजद आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दूसरी ओर आरोपियों की ओर से किए गए अवैध कब्जे पर प्रशासनिक बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया गया है। प्रशासन की ओर से किए गए बुलडोजर की कार्रवाई के जरिए अपराधियों पर दबाव बनाने की कोशिश की गई। महाराजगंज पुलिस ने दिनेश गुप्ता पुत्र हनुमान गुप्ता और निर्मला गुप्ता पत्नी दिनेश गुप्ता को उसके घर से गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। वही दिन दहाड़े हुई हत्या से क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। गुरुवार को अधिकतर दुकानें बंद रहीं, जबकि पुलिस प्रशासन स्थिति को सामान्य बनाने के लिए घटना के बाद से ही लगातार गश्त कर रही है, जिससे लोगों में व्याप्त भय कम हो सके और वो रोजमर्रा की तरह सामान्य जीवन यापन कर सकें। इसके लिए प्रशासन के अधिकारी भी दौरा कर रहे हैं। बता दें कि सरदहा बाजार में रशीद और दिनेश की आमने सामने कपड़े की दुकान है। ग्राहकों को लेकर अक्सर दोनों में विवाद होता रहता था। इस बात को लेकर दोनों ही एक दूसरे से रंजिश रखते थे। बुधवार की सुबह किसी बात को लेकर दोनों भिड़ गए। इस दौरान दिनेश पक्ष ने गोली चला दी और गोली 55 साल के रशीद और उसके 22 साल के बेटे शोएब को लगी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।